नाव बायोलॉजी का जो एक और डेफिनेशन यहाँ पे दिया जाता है वो होता है बायोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस दैट विद स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर केमिकल प्रोसेसेस मॉलिकुलर इंटरेक्शन फिजोलॉजिकल मैकेजम एंड डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन अब यहाँ वर्ड्स को हम जान लेते हैं इनका मीनिंग यहाँ पर क्या बोल रहा है बायोलॉजी को एक और डेफिनेशन के हिसाब से यदि हम डिफाइन करें तो जो बायोलॉजी होती है वो होती है नेचुरल साइंस मतलब जितने भी नेचुरल चीजें होती हैं उनका जो साइंस होता है यानी कि उनकी जो स्टडी होती है वो कहलाती है बायोलॉजी जिसके अंदर हम उनका फिजिकल स्ट्रक्चर केमिकल प्रोसेस मोलिकुलर इंटरेक्शन फिजोलॉजिकल मैकेनिज्म डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं ये होता है सेकेंड डेफिनेशन फॉर बायोलॉजी अब यहाँ इन पर्टिकुलर वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है देख लेते हैं सबसे पहला आता है फिजिकल स्ट्रक्चर फिजिकल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किन चीज़ों से मिलकर बनी है या उनका स्ट्रक्चर कैसा है ये कहलाता है फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूँ बोन्स बोन्स की स्टडी करना ये एक अलग ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसको हम करते हैं स्टडी फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका स्ट्रक्चर कैसा है इसकी स्टडी करना हमको कहलाता है फिजिकल स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल कि मे को यदि बोन की स्टडी करना है तो मैं बायोलॉजी के फिजिकल स्ट्रक्चर के ब्रांच में करूंगा इस पर्टिकुलर ब्रांच को हम एनेटॉमी भी बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनेटॉमी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एस एनेटॉमी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे भी हमारी वीडियोस में मिलेंगे नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रोसेसेस अब ये केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है जितने भी प्रोसेस हमारे बॉडी में होते हैं जैसे कि मान लो हमको डाइजेशन का प्रोसेस करवाना है यूरिन फॉर्मेशन का करना है ये जो स्टडी होती है कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन से टेक प्लेस करती है इन्हीं की स्टडी करना कहलाता है केमिकल प्रोसेस अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल टू बी स्टडी हियर इज मेटाबोलिज्म ऑफ फूड फूड का मेटाबॉलिज्म होना इन द सेंस फूड जो है अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से वंस में टूटता है इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये बेस्ट एग्जांपल होता है केमिकल प्रोसेसेस का थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अब यहाँ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का क्या मीनिंग होता है मोलिक्यूलर इंटरेक्शन मतलब होता है द इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हों चाहे वो कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हों चाहे वो कोई बाय प्रोडक्ट बना रहे हों चाहे कोई केमिकल रिएक्शन करके हमारे बॉडी के लिए एडवांटेज में हो यह होता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आरएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस अब आरएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस है कि एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम आगे फ्यूचर आने वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएनए से एक डीएनए बनने का एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डीएनए बनाते हैं यह इंटरेक्शन होता है आरएनए और उन कंपोनेंट्स के बीच में जिससे कि जो रिजल्ट होता है वो होता है डीएनए द रिजल्ट इज डीएनए ये होता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाए या नया कंपोनेंट्स बनाते हैं इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऐसा एक और एग्जाम्पल हम यहां देखें तो वो हो सकता है कंपोनेंट जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते बनाते हैं प्रोटीन प्रोटीन आप सब जानते ही होंगे प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी तो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या करते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बनाते हैं प्रोटीन ये भी एक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है तो ये है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नाउ द नेक्स्ट वन द फोर्थ वन इज फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म अब फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिजोलॉजिकल मैकेनिज्म में हम डिफरेंट ऑर्गेन्स डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट सेल्स के फंक्शन की स्टडी करते हैं यानी कि जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गेंस हैं टिश्यूज हैं इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं फॉर एग्जाम्पल हार्ट हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो है टू पंप ब्लड टू पंप ब्लड ये इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है इसकी स्टडी यदि मेरे को करनी है वो मैं करूंगा मैकेनिज्म के अंदर नाउ द लास्ट वन, वन फिफ्थ इज़ द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब पहले एप्स थे यानी कि जो मंकीज थे उससे बने थे ह्यूमंस। ये है एक तरीके का डेवलपमेंट और एवोल्यूशन ये जो होता है मोलिकुलर या हेरिडेटरी तरीके से स्टडी करना कैसे मान लो कोई सेल है दो सेल पहले कुछ और थे जब वो मिलते थे आपस में लेकिन जब बाद में डेवलपमेंट हुआ तो जो सेल मिलके बनाते थे वो उनका जो नेचर था वो कुछ डिफरेंस था ये होता है डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन द बेस्ट एग्जाम्पल इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मंकीस इनटू ह्यूमंस ये एकदम सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो और समझ भी आए ये होता है डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन किसी चीज में डेवलपमेंट होना और उसका आगे बढ़ के हेरिडेट हो जाना यानी कि चेंज हो जाना उसका कुछ नेचर चेंज हो जाना ये कहलाता है डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन तो ये थे बायोलॉजी के कुछ डेफिनेशंस और उसके टर्म्स जो उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट था तो इसी तरीके की वीडियो और सिंपल फॉर्म में देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर माई मेटिवेशन एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहे शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि दूसरों को भी हील करना जरूरी है सो so, अभी के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ थैंक यू एंड है नाइस नाउ द लास्ट वन फिफ्थ वन इज द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब पहले एप्स थे यानी कि जो मंकीज थे उससे बने थे ह्यूमंस ये है एक तरीके का डेवलपमेंट और एवोल्यूशन ये जो होता है मोलिकुलर या हेरिडेटरी तरीके से स्टडी करना कैसे मान लो कोई सेल है दो सेल पहले कुछ और थे जब वो मिलते थे आपस में लेकिन जब बाद में डेवलपमेंट हुआ तो जो सेल मिलके बनाते थे वो उनका जो नेचर था वो कुछ डिफरेंस था ये होता है डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मंकीज इन टू ह्यूम एकदम सिंपल वे में आपको बता रहा हूं ताकि आपको ईजी हो और समझ भी आए ये होता है डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन किसी चीज में डेवलपमेंट होना और उसका आगे बढ़ के हेरिडेट हो जाना यानी कि चेंज हो जाना उसका कुछ नेचर चेंज हो जाना यह कहलाता है डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन तो ये थे बायोलॉजी के कुछ डेफिनेशन और उसके टर्म्स जो हमको पढ़ना इम्पोर्टेंट था तो इसी तरीके की वीडियो और सिंपल फॉर्म में देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर माय मेटिवेशन एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि दूसरों को भी हील करना ज़रूरी है सो so, अभी के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ थैंक यू एंड अ नाइस डे अहेड